अरे ये कहाँ ले आया तू? लावण्या के घर? जब प्यार किया तो घबराना क्या? कौन है बे तू? तू जिसका पीछा करके उसे मारने की कोशिश कर रहा है, जानता है वो कौन है? तेरा जीजा। तू सलग गटर का कीड़ा प्यार के रिश्ते को नहीं समझेगा। आज मैं तुझे भाई का फर्ज निभाना सिखा दूंगा। खुशी खुशी हाँ बोल दे इसके होने वाले साले, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। Hey, इसकी गलती यही है ना कि ये तेरी बहन को चाहता है, बस इतना ही ना? तो बात करके मैटर सॉल्व कर। बातचीत के बाद अगर तूने रिश्ते के लिए मना किया ए, सिर्फ 5 मिनट के लिए बहादुरी दिखा और जिंदगी भर इस डर से छुटकारा मिल जाएगा। उस दिली छोड़ और लावण्या के लिए लड़ना शुरू कर। अगले 5 मिनट के लिए इसकी बत्ती गुल है, जाके लावण्या को ले आ। साले मैं तेरी बहन ले जा रहा हूँ, दिल पे मत लेना। हाँ इन दोनों का पीछा मत करना, क्योंकि तेरे और इनके बीच मैं खड़ा हूँ। मुझसे मुकाबला करने तब आना जब बूते में थोड़ा दम आ जाए। खत्म कर दूंगा तुझे, नहीं तेरे घमंड को। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सहयोग से हमें यह प्रेस्टीजियस कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी कीमत 2000 करोड़ है और यह प्रोजेक्ट ऑन है। हे कृष्ण, ये मेरा बेटा कृष्णा है, मेरी ताकत और मेरी जिंदगी। ए तुम यहां कैसे आज? पापा आपसे 2 मिनट बात करनी थी। 2 मिनट क्यों, 2 घंटे लो, एनीथिंग फॉर यू, कम ऑन। सर सर, पर यह कॉन्ट्रैक्ट मिलना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए परवाह नहीं, पर इससे ज्यादा जरूरी मेरे बेटे की खुशी है। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फोन करके मुझे कहा 10 मिनट के अंदर पहुंचू तो आ गई। चलो बेटा, इन्हें भगा के लाए हो और शादी भी करवा दी। That's my son. पद्मा, जब मैं जवान था ना, मैं अपने दोस्तों के लिए हमेशा ऐसे ही कुछ करना चाहता था, पर मैं नहीं कर पाया जो इसने कर दिखाया। बेटे की कामयाबी पर हमेशा ये बोलते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए अंकल। गॉड ब्लेस यू। अभी हम छोटे हैं,
इसलिए आपका आशीर्वाद इन्हें जिंदगी से लड़ने की हिम्मत देगा। और अगर तुझे कोई पसंद हो तो प्लीज ये सब मत करना, उसे सीधा हमारे पास ले आना। शिट। अरे कहाँ चल दिए? मीटिंग है अंकल, उसे जाने दीजिए। क्या? हम तो कर रहे अपने दिल की कॉलेज में क्लासेस को मारे गुत्ती, ब्रेन में दिल में हर तरफ बस चाहिए लड़की, और ना कुछ आता है हमको बस करते ये धंधे। चोरी चोरी दिल लेना, धीरे धीरे जादू करना, इन्हें की अदा दिल से खेलना, कुछ भी सोचे ना, कुछ भी समझे ना, दे सके दिल ना दे सके, never never दो दिल तुम never never दो, सुनो ना मानो ना पछताओगे, never never दो दिल तुम never never दो, चाहे हो बबीता वनिता। नस में प्यार तेरा फंसा, मुझ पे तेरा ही तो जादू चढ़ा, हर जन्म मैं रहूंगा तेरा, एक बार मुझको जो तू देख बोल के, नैनों से ये जादू करती, दिल को फिर ये काबू करती, एक पल लव यू करती, अगले पल दिल तोड़ के चलती। हिंदू, मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा यार। मॉम, डैड, क्या है? आपको मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना था ना? यही है इंदू। हाँ? दो दिन पहले कहा था, आज तुम ले भी आए। अबे तो एक साल हो गया है। जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान था तो मैं भी अपने पापा से अपनी गर्लफ्रेंड को मिलवाना चाहता था, लेकिन इनसे शादी हो गई, मजबूर था, और जो मैं नहीं कर पाया वो इसने कर दिखाया। मेरे पापा ग्रेट है ना? हाँ, ग्रेट ग्रेट नहीं है बेटा, वो तो मैंने ही तरस खा के इन्हें प्रपोज कर दिया था, वरना उन दिनों मेरी डिमांड भी कुछ कम नहीं थी। मॉम आप सबसे बेस्ट है। आओ तुम अंदर आओ बेटा। आ जाओ बेटा। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ, बस जल्दी ही मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी। शादी के बाद तुम्हारे क्या प्लान है? ये डिपेंड करता है कि क्रिश क्या चाहता है। बाय आंटी।
कृष्णा, कृष्णा उठ ना बेटा। क्या माँ, क्रेश बुलाओ। मंदिर जाना है, उठ जाओ। मुझे मंदिर नहीं जाना। कोई मंदिर जाने से इनकार करता है क्या? लोग मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे मॉम डैड हैं, प्यार करने वाली मेरी इंदु है, मुझ पर चांद छिड़कने वाले मेरे दोस्त हैं, और इतना पैसा कि जिंदगी भर खर्च करूं तो भी खत्म ना हो। इससे ज्यादा कुछ मांगूंगा भगवान नाराज हो जाएंगे। ओके। क्रिश, अर्जेंट है, जल्दी मिलो ना। क्या हुआ? प्रॉब्लम है। मुझे खुजली नहीं हो रही। मुझे भी खुजाने का शौक नहीं। तो जल्दी से अपनी प्रॉब्लम बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। शुरू हो जाओ। वो मेरी एक दोस्त है और उसकी शादी करवानी है। पूरी बात तो सुनो। वो बहुत ही ब्रिलियंट है, वो अपने करियर को बहुत आगे लेकर जाना चाहती है। यहाँ की पढ़ाई के बाद वो US जाकर हायर स्टडीज करना चाहती है। पैसे कम पड़ रहे हैं। तुम फिर बीच में बोले। बेचारे के पापा ने उसकी शादी गांव के किसी गुंडे के साथ फिक्स कर दी है, और वो बहुत बदमाश है। अगर उसकी शादी हो गई तो मेरी दोस्त बर्बाद हो जाएगी। इस मुसीबत से बचने के लिए उसने अपने पापा से झूठ बोला है कि शहर में उसका एक बॉयफ्रेंड है। लड़की स्मार्ट है। यहीं पर आकर तो वो फंस गई है। अब उसके पापा उसके बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हैं। बाप ओवर स्मार्ट है। अपने पापा से मिलवाने के लिए उसे अर्जेंटली एक बॉयफ्रेंड चाहिए। अब तेरी दोस्त के लिए बकरा कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? बकरा क्यों बोल रहे हो? गधा बोलूं? अगर थोड़े पैसे दूं तो शायद कोई गधा बकरा बन जाए। नहीं नहीं, मुझे बकरा बन के हलाल नहीं होना। पागल हो गई हो क्या तुम? उंगली करती हो और मैं फंस जाता हूँ।